हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइस, अभी हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं आया हूँ अपने तालाब पे और आपको मैं सबसे पहले आज दिखा रहा हूँ अपना फिश पॉन्ड, और फिश पॉन्ड के बाद दिखाएंगे आपको हम अपना जो हमने धान की रोपाई की है, धान के खेत। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा फिश पॉन्ड। ये करीब करीब हमारा है 2000 स्क्वायर फीट का ये फिश पॉन्ड है। ये देखिए, ये हमारा फिश पॉन्ड है। और इसके बाद ये देखिए, हमने धान की रुपाई की है। ये देखिए, आपको यहाँ से तालाब के पीछे धान का खेत भी दिख रहा होगा। ये धान का खेत नीचे की साइड है, और उसके बाद जो फार्म है, फार्म के साइड का अलग से धान है। तो ये हमने इस बार रुपाई की है। देखते हैं कैसी फसल होगी इस बार, क्योंकि हमने खेत पे इन्वेस्ट भी किया था, हमने कंप्यूटर कराया था, खेत को लेवल किया था। देखिए, धान भी बिल्कुल बढ़िया टनाटन हुआ है, और पानी बिल्कुल एक समान धान के खेत में लगा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, फिश फार्मिंग भी हो रही है, जिस जो कि हमारी थोड़ा बहुत मोर्टालिटी जो हो जाती है वो हम अपने पॉन्ड पे डाल देते हैं, और वो मच्छियों का भोजन हो जाता है। ये देखिए, ये हमने धान की खेती लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से हमारे फार्म का व्यू, ये देखिए ऐसा कुछ लगता है अपना फार्म यहाँ से, ये देखिए। सो दोस्तों, शाम का वक्त है और मैं अब आपको ला चुका हूँ अपने फार्म पे। सो आज हमारे बैच का है जो है सिक्स डे की इवनिंग में आज हम इनका वैक्सीनेशन कर दिया। हमने पहले इनको हमने एक घंटा करीब हमने इनका पानी बंद कर दिया था, ताकि ये प्यासे होके फटाफट वैक्सीन का पानी जो है पी लें। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है वैक्सीनेशन करने का। बहुत लोग क्या करते हैं कि दूध मिलाते हैं और दूध में शुगर मिला के जो है अपना वैक्सीनेशन करते हैं। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने प्लेन वाटर में वैक्सीन को डाल के, ठंडे वाटर में वैक्सीन को डाल के हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। और अभी अभी थोड़ी देर में इसका पानी करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। 150-200 लीटर पानी में हमने जो है वैक्सीन का डोज डाला है। और दोस्तों, आज ही हम इन इलेक्ट्रिक ब्रूडर को आज ही जलाएंगे। मेरे ख्याल से कल से इनकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, कल से हम इसको भी बंद कर देंगे। और देखिए, और लीटर की कंडीशन ये देखिए दोस्तों, लीटर बिल्कुल अभी बढ़िया है, गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तक अभी तक हमने गुड़ाई भी नहीं की है, क्योंकि लीटर गंदा हो ही नहीं रहा। फिर भी हम कल से इसमें थोड़ा बहुत हाथ मारेंगे, कल से इसको थोड़ा थोड़ा हम गुड़ाई करते हुए जाएंगे। और मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन हमने इन्हें सुबह से कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ सिंपल वाटर दिया है। और अभी हमने वैक्सीन किया है, वैक्सीन करने के बाद हम इनको इम्यून बूस्टर इमोटास, एक दो घंटे बाद इनको हम इमोटास दे सकते हैं, मल्टीविटामिन वैक्सीनेशन के बाद हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैक्सीनेशन के बाद और मेडिसिन नहीं चला सकते, बट इम्यून बूस्टर और मल्टीविटामिन हम बर्ड को ज़रूर दे सकते हैं, और वो हम इनको वैक्सीन का पानी ख़त्म होने के बाद, दो घंटे बाद हम वो इनको देंगे। सो दोस्तों, एक और चीज़ कर दी है हमने, हमने आज इनको हमने स्पेस बढ़ा के दे दिया, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए हमने इनका जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये देखिए, हमने लास्ट तक एग्जॉस्ट फैन तक खोल दिया है। लगभग हमने इनको 60% जगह जो है हमने फार्म की दे दी है। और देखिए, इनको इसलिए भी हमने जल्दी खोला क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा निप्पल पिलिंग मिलेंगे, और निप्पल ज़्यादा मिलेंगे तो पानी ज़्यादा पिएगा, मेडिसिन ज़्यादा पिएगा तो बच्चा अच्छा ग्रोथ देगा, और जितना ज़्यादा पानी पिएगा और उतना अच्छा ही फीड बच्चा जो है खाएगा। और टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने इनको ज़्यादा स्पेस दे दिया और जल्दी स्पेस दे दिया, वरना हम इनको 2-3 दिन बाद इतना स्पेस देते। इसी के साथ दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम नेक्स्ट अपडेट देंगे 8th डे में, क्योंकि 8th डे में हम इसका बॉडी वेट करेंगे। आई होप बॉडी वेट इसका 220 प्लस आना चाहिए, 220 ग्राम प्लस आना चाहिए, और अभी तक बच्चा ठीक चल रहा है, कोई डिजीज नहीं है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले मस्त ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय।